नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका खेती करी यूट्यूब चैनल पर। और आज के वीडियो में हम एक बार फिर से रिव्यू करने जा रहे हैं 45 हॉर्स पावर के श्रेणी में आने वाले एक दमदार फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर की, सोनालिका DI-42RX फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर। 45 हॉर्स पावर की श्रेणी में इस ट्रैक्टर में आपको काफी बेहतरीन इंजन मिलता है जो आपको ज्यादा टॉर्क निकाल कर देता है, और इस ट्रैक्टर की स्पीड भी श्रेणी में काफी ज्यादा है। तो अगर आप भी 45 हॉर्स पावर की श्रेणी में एक फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो में हम इस ट्रैक्टर की पूरी जानकारी आपको देंगे, ट्रैक्टर के फीचर्स आपको बताएंगे, स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे, साथ ही बात करेंगे ट्रैक्टर के कीमत की भी। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए खेतीगाड़ी चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। हर बार की तरह शुरुआत करेंगे ट्रैक्टर के लुक से। ट्रैक्टर का लुक काफी अट्रैक्टिव है। आपको सामने की तरफ DRLs मिल जाती है जो कि ट्रैक्टर को और भी खूबसूरत बना देती है। ये न्यू लुक मेरे ख्याल से किसान भाइयों को काफी ज्यादा पसंद आएगा। एयर फिल्टर की बात की जाए तो इस ट्रैक्टर में आपको ड्राई टाइप एयर फिल्टर दिया गया है क्लॉगिंग सेंसर के साथ। मेरे ख्याल से 45 हॉर्स पावर की श्रेणी में क्लॉगिंग सेंसर और कोई भी कंपनी नहीं देती है। इस ट्रैक्टर में आपको 42 हॉर्स पावर का 3 सिलेंडर इंजन मिलता है जो काम करता है मात्र 1800 आरपीएम पर। ट्रैक्टर में है 2891 क्यूबिक कैपेसिटी, यानी कि आपका ट्रैक्टर हर हेवी काम में आपका साथ देगा। बात की जाए अगर ट्रैक्टर के बैकअप टॉर्क और टॉर्क की तो इस ट्रैक्टर में आपको 197 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है और 20.4% का बैकअप टॉर्क। बात की जाए अगर ट्रैक्टर के स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन की तो 245G पर KWH के स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन के साथ ये ट्रैक्टर काफी डीजल सेवर साबित होता है। ट्रैक्टर में आपको 33 हॉर्स पावर की ड्रॉबार पावर भी ऑफर की जाती है अगर आप इस ट्रैक्टर को ट्रॉली के कामों में चलाना चाहते हैं तो। ट्रैक्टर में आपको सिंगल और ड्यूअल क्लच का ऑप्शन अवेलेबल है। साथ ही इस ट्रैक्टर में आपको मिलता है कांस्टेंट मैच गियर बॉक्स जिसमें आपको 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर ऑफर किए जाते हैं। स्पीड की अगर बात की जाए तो ये ट्रैक्टर आगे की तरफ दौड़ता है 33 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। साथ ही ट्रैक्टर में आपको मिलते हैं ऑयल इमर्स मल्टी डिस्क ब्रेक। ट्रैक्टर में आपको इंडिपेंडेंट पावर स्टीयरिंग दिया गया है, यानी कि आपका हाइड्रोलिक का ऑयल और पावर स्टीयरिंग का ऑयल अलग है, यानी मेंटेनेंस के वक्त आपको इसमें काफी सहूलियत होने वाली है। बात की जाए अगर पावर टेकऑफ यानी PTO के बारे में तो ये ट्रैक्टर 540 आरपीएम देता है इंजन के 1680 आरपीएम पर। ट्रैक्टर में आपको मिलता है 40 हॉर्स पावर का PTO, ये ट्रैक्टर 540 आरपीएम देता है इंजन के 1680 आरपीएम पर। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इस ट्रैक्टर का PTOHP क्या है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में ही देंगे। तो किसका इंतजार कर रहे हैं, अभी कमेंट कीजिए। बात की जाए अगर हाइड्रोलिक्स के बारे में तो ये ट्रैक्टर उठा सकता है 2200 किलोग्राम तक का वजन। साथ में आपको मिलता है ड्यूल DCV वाल्व, यानी आप 2MB प्लो भी इस ट्रैक्टर के साथ अटैच करके चला सकते हो। क्योंकि ट्रैक्टर फोर व्हील ड्राइव है तो प्लोइंग का काम ये ट्रैक्टर काफी बढ़िया करेगा। टायर साइज की बात की जाए तो इस ट्रैक्टर में आपको आगे के टायर मिलते हैं 8/18 और पीछे में मिलते हैं 13/6/28 के टायर। बात की जाए अगर इस ट्रैक्टर की कीमत के बारे में तो ये ट्रैक्टर आपको मिल जाएगा तकरीबन 6.5 लाख से लेकर 7 लाख तक। वेरिएंट वाइज, स्टेट वाइज ट्रैक्टर्स की कीमतें काफी अलग हो सकती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके एरिया में इस ट्रैक्टर की कीमत क्या रहेगी तो अभी डाउनलोड कीजिए हमारा खेती गाड़ी मोबाइल एप्लीकेशन। वहां पर जाकर अपने मनपसंद सोनालिका ट्रैक्टर के लिए इंक्वायरी कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कॉमेंट करके हमें बताएं कि आपको कौन से ट्रैक्टर का रिव्यू देखना है, और शेयर कीजिए इस वीडियो को उन किसान भाइयों के साथ जो एक फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर लेने की सोच रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। जय जवान जय किसान।